पानसेमर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए लाखों रुपए की वन उपज जब्त की है, जिसमें तीन लोगों पर केस दर्ज किया गया है। अवैध रूप से जंगल में लकड़ियां काट कर फर्नीचर बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही की गई है। रूप से वनों की कटाई कर फर्नीचर निर्माण कर रहे तीन स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर लाखों रुपए की सागौन की लकड़ियां, अर्ध निर्मित फर्नीचर सहित भारी मात्रा में औजार भी जब्त किए। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहलिया पानी गांव में वनोपज की कटाई कर अवैध रूप से फर्नीचर का निर्माण किया जा रहा है। पानसेमल से सरज चित्ते की रिपोर्ट। कल 28 तारीख को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मोहलिया पानी में कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से फर्नीचर निर्माण का काम चल रहा है। तो पानसेमल के समस्त स्टाफ के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में तीन जगह कार्रवाई की गई, जिसमें बारका पिता पावा, झंझाड़िया वामरिया और कदम देवी सिंह, तीनों के यहाँ से तीन कटर मशीन और अर्धनिर्मित फर्नीचर और चिराम और सागौन के लट्ठे जब्त किए गए। तीनों जगह से कुल 381 नग और 1.725 घन मीटर अवैध वनोपज जब्त की गई, जिसका लगभग अनुमानित मूल्य जो है तो 1,15,000 के लगभग है। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927, मध्य प्रदेश काष्ठ चिरान अधिनियम 1984 के तहत कार्रवाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।